फ्रेंड्स, मेथी पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप बासमती राइस लिए है ये वाले कप से और 1 कप मटर के दाने। ये सभी चीज़ों को मैंने बॉयल कर लिया है, 2 बार उबाल आने तक इसे बॉयल करना है, उसके बाद इसका यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली मेथी ली है, इसे मैंने 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बबाद इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 10 कप भर के मेथी मैंने यूज़ की है इसमें। और यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया है, जिससे कि मेथी का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है, इसलिए मेथी में हम नींबू डालेंगे। 1 बॉयल पोटैटो लिया है, 1 फाइनली चॉप ऑनियन और 1 फाइनली चॉप टमाटर लिया है। ये दोनों की आप पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। 1 हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून देसी घर का घी, 1 स्टारानाइस, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट, 2 लौंग, 1 टेबलस्पून नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला, कोरिएंडर लीव्स, बे लीव्स, 1 हरी इलायची, 1/2 टेबलस्पून जीरा एंड 2 लौंग के टुकड़े, लॉन्ग नहीं, दालचीनी के टुकड़े। इतनी चीज़ों को ज़रूरत हमें मेथी पुलाव बनाने में लगेगी। एक पैन रख देगी, उसमें हम देसी घी डाल देंगे और इसमें जीरा डाल के इसे अच्छे से सेक लेगी। उसके बाद उसमें सारे खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज को डाल के इसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भुनेंगे और 1 टेबलस्पून जितना नमक इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसके बाद इसमें हमें अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट डालनी है। अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट मैं बना के सेपरेटली रखती हूँ फ्रीज में, तो उसकी लिंक आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अदरक लहसुन एंड मिर्ची के पेस्ट का सेपरेट वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद हमें टमाटर को अच्छे से पका लेना है और फिर सारे मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला सबको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगी, इसमें से ऑयल अलग हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमें नींबू डालना है। यहाँ पे मैंने 1 नींबू पूरा डाल रही हूँ। ये मेथी पुलाव है तो इसमें हम नींबू डालेंगे। अगर हमें मीठा पुलाव खाना पसंद है तो इसमें आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन मुझे चीनी पसंद नहीं है तो मैं इसमें 1 नींबू डालूँगी और इसलिए मेथी का जो कड़वापन है इससे दूर हो जाएगा। और उसके बाद हमें सारी मेथी इसमें ऐड कर देनी है। फ्रेंड्स, याद रखिए, मेथी को कट करते पहले इसे हमें 3 बार अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि इसमें जो मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद ही इसे हमें कट करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे हमें 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है। ये अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें हमें चावल ऐड करने हैं, राइस और बॉयल आलू ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, इसके बाद इसे ढक के हमें स्लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लेंगे। मेथी का कच्चापन निकल जाना चाहिए। 3 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के बंद करके 3 मिनट रहने देंगे। इसमें से ऑयल अलग निकल गया है। इसके बाद इसमें हमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो पानी है वो हमने बॉयल करते टाइम राइस का जो पानी बचा था वो साइड पे रखा था, उसका यूज़ करा है मैंने। इसकी जगह आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून जितना ही नॉर्मल पानी डाले इसमें पहले। उसके बाद हम राइस को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। राइस हमारे 90% पके हुए होने चाहिए। उसके बाद 10 मिनट तक इसे हमें गरम करना है, स्लो फ्लेम पे ही गरम करेंगे इसे।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेगी। इसे मिक्स अच्छे से करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मेथी है तो मेथी मिक्स होने में टाइम लगाती है, तो इसे अच्छे से मिक्स करें जिससे कि मेथी सारे राइस पे लग जाए। और इसे हमें 10 मिनट तक ढक के पका लेना है। इसमें आप थोड़ा सा पानी या फिर राइस उबालते टाइम जो पानी बचा था उसका यूज़ करके इसे नीचे से डाल लेंगे और फिर इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। 10 मिनट ढक के इसे पका लेंगे हम। स्लो फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड्स, याद रखें। हमारा मेथी पुलाव एकदम रेडी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एकदम टेस्टी मेथी पुलाव बन के रेडी हुआ है। इसके साथ आप इसके साथ करी या फिर दही या फिर रायते के साथ इसे सर्व कर सकते हो। ये रायते के साथ भी बहुत अच्छे से जाता है, या फिर टमाटर की चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा मेथी पुलाव रेडी है, आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। इस पर हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो पे अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ, तो उसे आप चेकआउट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो फ्रेंड्स तो मेरी इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें जो एकदम फ्री है, उसके बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही अच्छे अच्छे और यूनिक वीडियो लेके मैं आती रहती हूँ, तो मेरी चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक थैंक यू सो मच फॉर watching my video viewers and have a good day.